तो हेलो यूट्यूब, कैसे हो आप लोग? आप सब बढ़िया होंगे? और सब बढ़िया ही हो और मैं भी बढ़िया ही हूँ गाइस। और अपन लोग आज जा रहे हैं, निकल के आए थोड़ा घूमने के लिए। और घूमने के लिए ऐसी जगह में जा रहे हैं, मतलब आप लोग बोल सकते हो सबसे बड़ा शिवलिंग है हमारे इंडिया में ही। तो अपन लोग वो जगह में जा रहे हैं आज। और कहाँ पे जा रहे हैं रास्ते में तो आप लोग को नज़ारे दिखा जाएंगे, और बाकी आप लोग कैसे हो बता देना। और बहुत दिनों के बाद हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं क्योंकि ऐसा निकला हुआ नहीं है, तो अपन लोग जाते रहते हैं। चलो गाइस, अभी पहुंच चुके हैं भुमरागुरी में। तो देख ही सकते हो गाइस, ये रहा भुमरागुरी और यहाँ पे नज़ारे देखो गाइस। ये वाला नया भुमरागुरी ब्रिज है जो कि नया अभी ओपनिंग हुआ है, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है, कुछ लास्ट ईयर कोई हुआ है लास्ट की तरफ। ये वाला नया वाला है और ये पुराना वाला है गाइस, देख सकते हो। इस साइड में एक और जो आप देख रहे हो वो वाला पुराना है, बहुत ही सुंदर है गाइस। ये वाला जो अभी नया ब्रिज बनाया है ये बहुत ही सुंदर है, बढ़िया भी लग रहा है। तो ये देखो गाइस, चेक करो व्यू गाइस, कैसा लग रहा है, मस्त है ना। और इस साइड का भी चेक कर लो। तो अभी हम नौगांव की तरफ आ चुके हैं गाइस, तो इधर से ही जा रहे हैं। और यहाँ पे भी ताबड़तोड़ फ्लाईओवर बन रहे हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत ख़राब लग रहा है जगह सब। जब ये बन जाएगा बहुत टिप टॉप लगेगा गाइस, बहुत ही बढ़िया करके बना रहे हैं। और अपना भी जगह थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा है, अच्छा लग रहा है। और इसी के दौरान हम लोग बहुत दिन से नहीं आए थे इस साइड में, वही बात है। तो अभी अपन लोग जा रहे हैं, थोड़ा दिक्कत होता है गाड़ी चलाने के वक्त में, और थोड़ा मोबाइल वोबाइल पकड़ना थोड़ा दिक्कत होता है गाइस, तो समझ सकते हो। और नहीं तो गाइस, हम लोग ने एक बात अपन लोग को बोलना ही बोल गया, तो आगे भी हमारा एक गाड़ी जा रहा है, तो अपन लोग ने ले लिया है ये क्या बोलते थे, वॉकी टॉकी गाइस, वॉकी टॉकी ले लिया है। तो वॉकी टॉकी में बात करते थोड़ा बहुत। कमिन धीरज, कमिन, हेलो धीरज, कमिन, देखते अभी क्या रिप्लाई आता है गाइस। वो आ गया, रिप्लाई आ गया, देखा ना क्या मस्त लीच है गाइस, वो आगे आगे चल रहा है। वो देखो गाइस, एक गाड़ी सफ़ेद वाला जा रहा है, तो उसी में वो लोग हैं और हम लोग पीछे ही हैं। तो चलते हैं गाइस, आगे मिलते हैं आप लोग से, और भी बात करके जाएंगे। तो बढ़िया करके खाना पीना खा के निकले, थोड़ा बहुत मतलब ऐसे ही ब्रेकफास्ट करके आए हैं, वो भी पूरे वेज मतलब पूरा ही भेज करके आए, जो कि मंदिर में घुसेंगे तो नॉन वेज वगैरह खा के आना अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग ने वेज वगैरह थोड़ा बहुत हल्का ब्रेकफास्ट करके निकल पड़े हैं घर से, तो मिलते हैं आप लोग से रास्ते में। चलो गाइस, अभी हमें पता चला है हम लोग अभी मीसा पहुंच चुके हैं, जो कि मीसा बोल के एक जगह है, वहां पे पहुंच चुके हैं। और ज़्यादा दूर नहीं है यहां से, लगभग पहुंच ही जाएंगे हम लोग, देखते हैं अभी कब तक पहुंचते हैं। और यहां पे आगे लोग, ये लोग तो क्या ही भयंकर चला रहे हैं गाइस, हमारे धीरज भाई बहुत ही भयंकर ड्राइवर है, बहुत ही मस्त चला रहे हैं, अपन उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, क्या ही कर सकते हैं गाइस। हम लोग अभी थोड़ा भटक चुके हैं, मतलब हाँ रास्ता मिल नहीं रहा है, आगे भी दिखा रहा है और पीछे भी एक था शायद, और जो हम लोग क्रॉस करके आ चुके हैं, तो आगे देखते हैं रास्ता, और एक है दिखाई दे रहा है तो उसी तरफ से हम लोग घुसेंगे। और तो गाइस, बहुत ढूंढने के बाद हमें रास्ता मिल चुका है, जो कि हम अभी लेने वाले हैं लेफ्ट साइड, तो इधर से चलेंगे गाइस। तो यही है रास्ता, देखो रास्ता तो अच्छा ही है, मेरे को लगा था रास्ता अच्छा होगा कि नहीं होगा, लेकिन रास्ता ठीक ही है। तो यहाँ पे दुकान वगैरह भी है थोड़ा बहुत, ये देखो गाइस, थोड़ा गांव के रास्ते में आ चुके हैं हम लोग अभी, और रास्ता बहुत ही नीट एंड क्लीन है, अच्छा लगा ये देख के। थोड़ा ख़राब होने से गाड़ी चलाने का मज़ा नहीं आता गाइस, और जैसे अगर रास्ता मक्खन अच्छा बढ़िया होगा वाला तो मज़ा आता है। तो गाइस यहाँ पे देखो गाइस, ग्रीनरी मज़ा आ रहा है वो। तो फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं इंडिया के लार्जेस्ट शिवलिंग पे, जैसे कि फाइनली हम लोग जहाँ आएंगे बोल रहे थे पहुँच चुके हैं। ये देख सकते हो गाइस, बहुत ही भयंकर बड़ा शिवलिंग है। और कहाँ गया हमारे, बहुत तेज चलाए हो तुम, ऐसा ना, नहीं हम लिमिट में चलाए हैं। गुरुजी पूरा तेज करके आए हमारे साथ, हमको एकदम पता ही नहीं मिला है। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही बड़ा मंदिर है गाइस। तो फाइनली पहुँच चुके हैं, तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे, चाकी वगैरह जलाएंगे, उसके बाद ये देख सकते हो पार्किंग वगैरह, तो हमने कार वगैरह यहीं पर पार्किंग कर दिया है। तो देखते हैं अभी नीचे जाके बढ़िया करके हम लोग थोड़ा बहुत देखते हैं, तो फोटोशूट वगैरह भी करेंगे थोड़ा बहुत। सो गाइस देखो, जहाँ आएंगे बोल रहे थे फाइनली पहुँच चुके हैं, और बहुत ही भयंकर पूरा बड़ा वाला शिवलिंग है, देख सकते हो, आप लोगों को दिखाता हूँ, रुको, ये देखो गाइस बहुत ही बड़ा है। और यहाँ पे मतलब पेड़ पौधा ऐसा कुछ है नहीं, तो बहुत ही भयंकर गर्मी भी है, पसीना भी आ रहा है, तो आप लोग को देख ही सकते हो। और यहाँ पे बहुत भी गाड़ी वगैरह भी आते रहता है, तो यहाँ पे भी जाएंगे हम लोग थोड़ा देर बाद। तो चलते हैं, अब ये थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ सामान वामान भी खरीदना होगा, क्योंकि साकी वगैरह भी दिया है, दिया बत्ती भी जलाना है,
तो देखते हैं। और इतना ही गर्म है कि पूरा पैर जल रहा है गाइस, पूरा गर्म है, कम से कम 40 डिग्री ऐसे ही कुछ होगा, पूरा पसीना आ रहा है रुकते ही रुकते। तो कैसा लग रहा है गर्मी? बढ़िया हाई गर्मी, हाई गर्मी, बहुत गर्मी, बहुत ही भयंकर 40 डिग्री जैसा होगा ना यहाँ पे अभी? बहुत 40 होगा यार, कम से कम 40 28 लग तो रहा है, पूरा 40 जैसा है भाई यहाँ पे ऐसे देख। तो गाइस देख सकते हो पूरा ही पूरा यहाँ पे, और कुछ बाकी है शायद बनाने के लिए, और वहाँ पे कुछ रिजॉर्ट वगैरह होगा शायद से, पता नहीं। तो अपन लोग अभी देखते हैं वहाँ पे करेंगे, फोटोशूट वगैरह भी लेंगे। तो सो गाइस आप लोग को अगर मंदिर में घुसना है तो यहाँ पे ही पैर वगैरह धोना पड़ेगा, और आते ही ये राइट साइड में आपको मिलेगा घुसते ही, तो यहाँ पे पैर वगैरह धोता है, और यहाँ पे यूरिनल वगैरह भी है, तो टेंशन का कोई बात नहीं है। और अपन लोग अभी जाएंगे वहाँ पे, बढ़िया करके जाते हैं, तो चलो मिलते हैं आगे। और हमने अपना ये दिया बाती ले लिया है, तो अभी वहाँ पे हम लोग जलाते हैं, उधर बाहर जलाना पड़ता है तो उधर ही जलाएंगे। तो फैमिली पूरा ले लिया है सभी ने, तो अपन लोग जलाएंगे और विश भी करेंगे थोड़ा बहुत अपना नौकरी वगैरह भी लग जाए, इसीलिए विश वगैरह भी करेंगे अपने लिए। तो भगवान के ऊपर प्रार्थना, भगवान के सामने थोड़ा प्रार्थना वगैरह भी करेंगे। तो क्या भाई आप क्या ले रहे हो, हर एक माल ले रहे हो क्या? हमको क्या समझे हो आप, कैमरा मैन हो भाई? मुगले आजम हराम का अनर चली समझते नहीं, आप कैमरा मैन हो। और गाइस हम लोग अभी जलाते हैं, जाके जला उला लेते हैं। चलो गाइस आग लगा देंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा बात मत बोलो, माचिस से आग लगाना है। हाँ ऐसा बोलो। तो दिया बाती लगाने का जगह कुछ इस तरीके का है, देख सकते हो यहाँ भी है। तो यहाँ पे सारे लोग ज़्यादातर दिया बाती इधर ही लगाते हैं, और अंदर की तरफ बाद में जाते हैं। यहाँ पे दिया बाती लगाने का जगह यही है। तो चलो गाइस थोड़ा दिया बाती लगा लेते हैं पहले। यहीं पे हमने दिया बाती भी लगा लिया, तो इधर भैया भाभी लोग लगा रहे हैं, तो यहाँ पे सब दिया बाती वगैरह लगाते हैं। और यहाँ पे कुछ आप लोग बांध सकते हो, यहाँ पे जो खोराई वगैरह देता है, तो आसाम इसमें हमारा खोराई बोलता है, तो यहाँ पे अगर आप कुछ लाए हो खोराई वगैरह तो यहाँ पे बांधना चाहते हो तो बांध सकते हो। यहीं पे सभी ने बांधा है, तो ऐसा कुछ है सीन। तो आप लोग अभी जाएंगे उधर। सो गाइस अंदर का व्यू कुछ इस तरीके का है, तो यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे अंदर में कुछ ऐसा इस तरीके का है, देख लो। तो वहाँ से बाहर जाना पड़ता है, अभी हम लोग अंदर यहाँ से निकल के चले जाएंगे बाहर की तरफ, इधर नीचे से जाना पड़ता है गाइस। तो हमें अभी नीचे से जाना पड़ेगा, प्रसाद कलेक्ट करना पड़ेगा, प्रसाद देगा नीचे, तो हम लोग वही भी प्रसाद लेके निकल जाएंगे गाइस। तो देखते हैं अभी नीचे कौन सी साइड से जाना पड़ेगा, तो देखते हैं अपन लोग। और यहाँ पे कुछ मंदिर वगैरह है, और ये देख सकते हो गाइस पूरा ही ये बड़ा करके शिवलिंग है, तो देख सकते हो बहुत ही बड़ा है, वाओ फर्स्ट टाइम एवर, मस्त है गाइस मस्त। सो गाइस अपन लोग थोड़ा बड़ा एक्सप्लोर कर लिए है यहाँ पे बढ़िया करके, और यहाँ पे देखो व्यू चेक करो गाइस, साइड चेक करो, क्या ही मस्त लग रहा है। यहाँ पे हमने प्रसाद भी ले लिया, सब ले लिया, तो हम लोग खोराई वगैरह भी दिया था तो ले लिया। अभी हमारे धीराज भाई देख सकते हो क्या चौड़े बन के आए, वाह वाह वाह। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ और हो चुका है हमारा सब, फोटोशूट वगैरह सब कर लिए हैं, अभी थोड़ा जाएंगे निकल के, और खाना वाना कुछ खाना पड़ेगा, क्योंकि सुबह से हम लोग कुछ ऐसा खा के नहीं आए थे, तो मम्मी लोग भी भूखी है, तो अपन लोग थोड़ा खा लेंगे अभी रास्ते में थोड़ा बहुत। वहाँ पे क्या है पता नहीं, कुछ है पीछे शायद में रेस्टोरेंट वगैरह हो सकता है। तो अभी हो गया लोगों का काम, अभी देखते हैं कई बार और जाना होता है कि नहीं होता है। और यहाँ पे हम लोग का जो दिया बाती जलाने का काम था हो चुका है लगभग। तो गाइस यही कुछ था, और व्यू चेक करो गाइस यहाँ से क्या मस्त आ रहा है गाइस, देखो। हमने अभी अभी लोकलों से पूछे, दुकान के पूछने पे पता चला कि ये शिवलिंग 126 फुट बड़ा है। थ्री में हुआ था क्या? तो गाइस हमें धीराज भाई बता रहे हैं ये 2003 को एस्टेब्लिश हुआ था, तो यहीं पे अभी मतलब बाद में इसको बनाया गया है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, पहले से ये मंदिर होगा, पहले से ही था, लेकिन यहाँ पे बड़ा सा मंदिर बाद में रिसेंटली कितना 2 ईयर्स हो गया ना ये शिवलिंग बनाया हुआ, कितना हुआ अच्छे से बोलो, मुझे भी पता नहीं, 2 ईयर्स से हो गया ना। सो गाइस 2 ईयर्स जैसा हो गया शायद, अभी तक तो ये
बनाया हुआ, हमें भी डेट तो पता नहीं है, ऐसे कुछ 2-3 इयर्स हो गया ये बनाया हुआ बड़ा वाला शिवलिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ये है 126 फीट लंबा, मतलब ऊपर तक है, बड़ा है, तो देख ही सकते हो, बहुत ही मस्त है गाइस। और यहाँ पे कुछ इस तरीके का पूरा व्यू है, यहाँ पे देख सकते हो, वाह। क्या विश मांगा तुम लोग, ए लड़की लोग बताओ, क्या विश मांगा, क्या विश मांगा, बता दो कैमरा में, बता दो। ये गाइस, ये दोनों मेरी बहन है, मामी का, मामा का लड़का, लड़की लोग, नमस्ते बता दो मेरे व्यूअर्स को, तुम भी व्यूअर्स को, हाय गाइस, हाय गाइस। और क्या करना है, क्या क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बता दो, सब्सक्राइब करना है, एंड कमेंट प्लीज। और ये मेरा मम्मी जी, देखो क्या ही खतरनाक लग रही है, वाह, यो यो यो, हंस दो एक बार, ये हंसी गाइस, देख रहे हो क्या मस्त हंसी मारा है मम्मी जी ने हमारा। तो चलो गाइस, अभी निकलते हैं बाहर को थोड़ी देर और कुछ खाना वगैरह खा लेंगे, क्योंकि हम लोग भूखे भूखे नंगे आए थे, तो अभी निकलते हैं, चलो। के है मंदिर से देख सकते हो गाइस, हम लोग निकल के आ चुके हैं, और यहाँ पे मतलब पेड़ पौधा ऐसा कुछ है नहीं, तो इसके वजह से पूरा ये जितना भी फ्लोर है, इतना गर्मी है कि आप मिनट के आधा मिनट तक टिक नहीं सकते हो, मतलब वहाँ पे एक जगह में, तो उसका प्रैक्टिस करके आना अगर आ रहे हो कभी घूमने के लिए। और बहुत ही अच्छा जगह है, मन को अच्छा शांति मिलता है, आप लोग आ सकते हो, आने से आओ घूम के जाओ, और बहुत ही यूनिक है, क्योंकि हम लोग एक ही है, अब जी तक तो मैंने एक ही देखा इतना बड़ा शिवलिंग, आज तक कभी देखा नहीं था। आप लोग अगर घूमना चाहते हो तो घूमने के लिए आ सकते हो, और थोड़ा आप लोग भोले बाबा से थोड़ा प्रार्थना भी कर सकते हो। और ये व्यू चेक करो गाइस, यहाँ का ये साइट ऐसा कुछ है, पार्किंग वगैरह यहाँ का ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे पूरा ही दुकान वगैरह है, आप यहाँ पे दिया बत्ती वगैरह लेने के लिए सब कुछ यहीं पे है, आप लोग ले सकते हो, कोई टेंशन का बात नहीं है, आओ बिंदास मिल जाएगा यहाँ पे। तो यही था कुछ, और अपन लोग अभी जाने वाले हैं, तो आप लोग को ये शिवलिंग देख के कैसा लगा बता देना, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, साथ में अगर इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल टू सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट गाइस, एंड कॉमेंट डाउन बिलो व्हाट यू लाइक और नॉट लाइक। तो अपन लोग देखते हैं अभी खाना वगैरह का, खाना होता है तो खा लेंगे, और क्या है, क्या कर रहे इधर ही, मैं क्या देख रहा हूँ बता दो कुछ, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, हम लोग लाए थे ड्रोन, उड़ा नहीं पाए, ओ अच्छा, परमिशन लिया था लेकिन, तो भाई साहब ने ड्रोन भी लाया था गाइस, हम लोग ड्रोन भी लाए थे, ड्रोन का शॉट भी लेंगे सोचे थे, लेकिन ड्रोन का शॉट नहीं ले पाए, ये हमारा कुछ थोड़ा दुखद समाचार है, तो कोई बात नहीं है, ड्रोन वगैरह उड़ा नहीं सकते यहाँ पे, परमिशन नहीं दिया तो क्या ही कर सकते हैं गाइस। तो अभी ऐसा ही कुछ है, तो हम लोग निकलते हैं गाइस, और उसके बाद जाएंगे आगे, तो देखते हैं अभी और कहाँ कहाँ जाना होता है नहीं होता है, और बिल्कुल ही बहुत ही गर्म है, तो मौसम भी बहुत पसीना पसीना हो चुका है, तो अब गाड़ी में चलते हैं गाइस, चलो।